क्या सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बना लेने से लोगों का डिप्रेशन कम हो सकता है? क्या बकवास है, डिप्रेशन जाना इतना आसान थोड़ी है, या फिर है? पता करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जब समस्या बड़ी होती है या समस्या में हम बहुत दिनों से हैं, तब हमें ये मानना अच्छा ही नहीं लगता कि समस्या का सलूशन बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इसका मतलब ये मानना होगा कि हम वो बेवकूफ़ इंसान हैं जो इस समस्या को नहीं सुलझा सके, जबकि इसका सलूशन सिंपल था। तो ये मान लेना कि मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ जो एक समस्या को सुलझा नहीं सका, उससे ये बेहतर लगता है कि हम कहते रहें कि समस्या बहुत बड़ी है और उसको सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिए ग्रैटिट्यूड लिस्ट जैसे सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्राउन और प्रोफेसर वॉन्ग के शोध के अनुसार, जिन लोगों को सिर्फ काउंसलिंग मिलती है, उनकी तुलना में जो लोग काउंसलिंग तो लेते ही है लेकिन साथ ही साथ हर सप्ताह किसी ना किसी को एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखते हैं, उन लोगों की मेंटल हेल्थ ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाती है। तो क्यों ना आप भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए यही स्ट्रैटेजी अपनाएं। हर सप्ताह अपने जीवन के किसी ना किसी को एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए। शायद आपकी मौसी हो, शायद आपकी बाई हो, या फिर आपके कोई अंकल या कोई कज़न या आपके पेरेंट्स। साधारणतर हमारे निजी लोगों को तो हम ग्रैटिट्यूड बता ही देते हैं, लेकिन जो हमसे थोड़े दूर हैं या फिर जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन कम हुआ है, हम उनको आसानी से ग्रैटिट्यूड नहीं बताते। चिट्ठी में कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वी वर्ड्स यानी कि हम वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। सिर्फ मैं, मेरा, मैं, मुझे नहीं, हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करें। और चिट्ठी में आप नेगेटिव इमोशंस के बारे में कम लिखिए, यानी कि दुख, गुस्सा, घबराहट, गिल्ट, इन चीज़ों को लिखना थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। आप चाहे चिट्ठी को पोस्ट करें, भेजें या नहीं भेजें, लेकिन फिर भी चिट्ठी लिखने से ही आपके मानसिक स्वास्थ्य में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट जल्दी जल्दी आने लगेगा, इमीडिएटली आएगा? नहीं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 4 चिट्ठियाँ यानी कि 1 महीने तक का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि आप कहीं पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपने आप में नोटिस करने लगे हैं। एक दूसरी एक्टिविटी है, 50 या 100 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। शायद वो आपका परिवार है, शायद वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शायद ये चीज़ है कि आपके पास हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँखें सब है, ये भी तो कृतज्ञ होने की चीज़ है। कृतज्ञता एक बहुत ही बढ़िया इमोशन है, इससे हमारी उदारता बढ़ जाती है। जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनकी उदारता के वजह से वो ज़्यादा दोस्त बना पाते हैं, इससे उनके डिप्रेस्ड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। देखिए, कृतज्ञता एक पॉजिटिव इमोशन ही तो है जिसमें हम अपने आप को कहते हैं कि मुझे ये खास चीज़ मिली जबकि ये चीज़ मुझे ना भी मिल सकती थी। इससे हमें एक लकी फीलिंग आती है, हमें ऐसा लगता है कि कितनी स्पेशल बात हो गई हमारे साथ। हमें ये नज़र आने लगता है कि ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अबंडेंट है। आप जहाँ तक भी पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में, वहाँ तक आप अकेले तो नहीं पहुँचे, आपको ज़रूर कई लोगों का साथ मिला होगा। उन लोगों को जाके धन्यवाद दीजिए, लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, आपको अबंडेंट फील होने लगेगा और आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगेंगे। देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती थी लेकिन फिर भी हमें मिली, कहीं पे हम एक तरीके से अपने आप को समझा रहे हैं कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं और फिर हमें कुछ खास मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। हर हफ्ते किसी ना किसी को ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए, हर रोज़ अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट को पढ़िए, आप देखेंगे आपको मानसिक बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपको एडिक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।